एराकुंटा साजद नगर AMD फंक्शन हॉल के अपोजिट में आपको ये कमान दिखेंगी। कमान के अंदर से हम लोगों को सीधा जाना है, मेन रोड से हमारा RCC का मकान 1 किलोमीटर के अंदर आने वाला है। और ये आप लोग रोड भी देख सकते हो, बहुत ही डेवलपमेंट एरिया में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और आप लोगों को ये बस्ती के अंदर लेफ्ट साइड में सहूलत देख सकते हो फंक्शन हॉल की, शहीद जाबरी फंक्शन हॉल है। यही बस्ती में आपको सहूलत भी मिल जाएंगी फंक्शन हॉल की, देख सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग को ऐसी चाके जाना है। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करता हूँ आप सभी का रियल इस्टेट 121A1 चैनल पे। तो आपके लिए मैं एक शहीद कॉलोनी में RCC का मकान लेके आया हूँ। तो आपको सारी डिटेल इसकी दूंगा, सबसे पहले आपको फेस के बारे में बताता हूँ इस घर के मकान की। तो देख सकते हो आप लोग, इसका फेस 22.5 होने वाला है, जो कि देख सकते हो। तो सारी डिटेल अंदर जाने के बाद दूंगा, तो आप लोग भी आओ इस मकान को देख सकते हो। तो जैसा हम लोग अंदर रहेंगे, यहाँ पर पार्किंग एरिया देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर अपने को एक बोर भी मिल जाएंगी, बोरवेल, और ये ऊपर जाने का रास्ता है, बाद में बताऊँगा आपको। तो जैसे ही हम लोग राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पर एक ड्राइंग रूम दिख जाएगा, देख सकते हो आप लोग, कुछ इस तरीके से बने हुआ है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत भाई, ज़बरदस्त काम करे हुआ है, देख सकते हो आप लोग, लाइटिंग वाइटिंग ओके। तो यहाँ पर एक हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा। तो जैसा हम लोग बाहर आएंगे, तो यहाँ राइट साइड में आप लोग देख सकते हो, हम डायरेक्ट हॉल में जाएंगे, और हॉल हमारा कुछ इस तरीके से बने हुआ है, देख सकते हो। और ये TV का एरिया है, देख सकते हो, हॉल हमारा कुछ ऐसा रहेगा। और ऊपर भी सीलिंग देख सकते हो, सीलिंग भी बहुत खूबसूरत है भाई हॉल की। और जैसे हम लोग यहाँ सामने देखेंगे, तो यहाँ हैंड वॉश दिख जाएगा आपको, और ऊपर हमारी रोशनदान रहेंगी, और यहाँ पर एक हमाम रहेगा, देख सकते हो, हमाम भी बहुत बड़ा है ओके। वापस आएंगे और फिर राइट साइड में देखेंगे, एक रूम दिखेगा यहाँ पर, रूम भी देख सकते हो, और ऊपर सीलिंग भी देख सकते हो रूम में, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ ओके, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, एक हैंड वॉश मिलेगा, ऊपर रोशनदान रहेंगी, और यहाँ पर अटैच बाथरूम आपको मिल जाएगा, देख सकते हो ओके। और जैसे हम लोग यहाँ पर पलटेंगे, तो यहाँ पर भी एक रूम है, तो रूम को हम लोग यहाँ से जाएंगे, पहले ये काम करेंगे, ये क्लोज हो गया। और यहीं से हम लोग बाहर निकल के, जैसे हम लोग बाहर आएंगे, ये रूम के बाजू के एक रूम रहेगा, और देख सकते हो रूम भी अच्छा खासा बड़ा है, और ऊपर भी सीलिंग देख सकते हो रूम में, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर कबर्ड लगा के इसको अलमारी टाइप आप लोग बना सकते हो, और अलमारी की तरह यूज़ कर सकते हो उसको ओके। फिर हम लोग जैसे बाहर आएंगे, राइट साइड पे आप लोग को किचन मिलेगा, राइट साइड पे किचन देख सकते हो, किचन में भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है, और किचन भी अच्छा खासा बने हुआ है, देख सकते हो। ओके, तो फिर से हम लोग बाहर आएंगे, बाहर आते कि राइट साइड में आपको सीढ़ियाँ मिलेंगे, और सीढ़ियों के बाजू ही एक बाथरूम मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो बाथरूम को। और हम लोग ऊपर जाएंगे, ऐसे ऊपर कुछ हमारा ऐसा इंटीरियर रहेगा, देख सकते हो। तो ये रहा हमारा ऊपर का एरिया, जो कि देख सकते हो RCC का हमारा ये मकान है ओके। और रही बात बस्ती की, तो बस्ती भी देख सकते हो, बहुत ही डेवलपमेंट एरिया में आपको ये घर मिल जाएगा RCC का। पूरी डेवलपमेंट बस्ती है, देख सकते हो पूरे घर वगैरह बने हुए। और जो आपको वो सामने स्टेट टावर दिख रहा, टावर के पास ही मेन रोड मिल जाएंगे आपको ओके। देख सकते हो आप लोग पूरे मकान बने हुए।
ये आरसीसी का मकान है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, शहीद कॉलोनी में ये मकान आने वाला है। और मकान के सामने आपको डेनिश लैंड मीठे पानी रोड के सहूलत के साथ आपको ये मकान मिलेगा। और ये मकान के अंदर आपको बोर भी मिल जाएंगी। और ये मकान असिस्मेंट प्लस रजिस्टर्ड मकान है। और ये हमारा मकान होने वाला है 103 स्क्वायर यार्ड पे, जो कि 103 गज पे ये मकान होने वाला है। मकान का प्राइस रहेगा 39 लाख रुपीस, नेगोशिएबल हो जाएगा। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करके सारी डिटेल आप लोग ले सकते हैं।